तो गाइस हमने बस के अंदर ही नाश्ता आ गया था, तो एक कचौरी लिए, पॉपकॉर्न लिया इधर, क्या करेंगे बैठे बैठे कुछ खा। तो गाइस अभी करीबन टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे 8 और अभी हम खड़े भीलवाड़ा सिटी के अंदर ही। हमारी बस ख़राब हो गई है, गियर नहीं लग रहे, तो इसलिए यहाँ पे ला के रोका। तो पता नहीं गाइज, महाराष्ट्र का पानी बहुत दिनों से पिया, कुछ अलग लग रहा था, तो मैंने एक पानी की बोतल भी खरीदी है। तो गाइज आपका भाई मतलब सुबह से गाड़ियों का वेट कर रहा है, गाड़ियाँ आ गई है। तो गाइज हम यहाँ पे नाके तो आ गए, एक काम खराब हो गया भाई, कंघा नहीं है गाड़ी के अंदर, लेंगे कहीं से, इनके पास तो नहीं। ये बोल रहे हैं कि हमारे तो बाल ही छोटे छोटे, हम तो केवल ऐसे करके ऐसे काम भी सलटा देते हैं, कंघा रखते नहीं है गाड़ी के अंदर। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे, इतना अर्जेंट भी नहीं है, बोल थोड़े से लंबे बाल थे तो इसलिए। तो गाइज अभी करीबन टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 6 और देखो मैं महाराष्ट्र के अंदर हूँ और नाके आया हूँ, बिल्कुल ही सर्दी नहीं है भाई, हकीकत। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी करीबन टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 10। तो गाइज अभी मैं पहुँचा हूँ जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर। तो गाइज जिस मैं कल से स्लीपर के अंदर सफ़र कर रहा था, मतलब मैं कल से आ रहा हूँ यहाँ पे, वो पहले तो वो चीज़ दिखाऊँगा मैं आपको, और मैं एक खास चीज़ बता देता हूँ अब चाहूँ। इस ऑफिस का नाम है तेजल ऑफिस है, और जो मेरी ट्रक आने वाली है इस ऑफिस के मतलब सामने हाईवे, इस हाईवे पे आएगी। तो गाइज अभी तक वो ट्रक मतलब नासिक सिटी के पास पहुंची है, तो मतलब वो रात को नो एंट्री खुली थी मुंबई सिटी की, मतलब 11:30, 11 बजे, 12 बजे के लमसम वो मुंबई से निकली थी। सामने हाईवे, इस हाईवे पे आएगी, मेरे को मतलब कहीं नहीं जाना, अभी इस ऑफिस के मतलब इस कुर्सी पे आराम से बैठा ही रहना है, तो यहाँ पे आएगी। तो गाइज मैंने मतलब वो राजस्थान से छत्तीसगढ़ रायपुर वाली लाइन नहीं है, मैंने चेंज कर दी है, अब हमारी लाइन है चेंज कर दी है, हैदराबाद नागपुर मुंबई वाली लाइन ले ली है, वो मतलब छत्तीसगढ़ रायपुर वो लाइन थी ना राजस्थान वाली राजू भाई, तो ये जो व्यवस्था की है सब गाड़ियों की, मतलब इधर से उधर होने की, ये सब राजू भाई ने की है। तो गाइस राजू भाई बहुत ही अच्छा आदमी है, देखो उधर से उधर व्यवस्था कर रहे हैं मेरे लिए, उनने बोला कि हमारी जो वो गाड़ी है 6625 वो तो अभी तक आई नहीं है, मतलब वहाँ पे दूर। तो गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब, फिर वीडियो को लाइक। तो गाइस जो मेरी ट्रक आने वाली है सामने आई गई, इस हाईवे पर आएगी। तो गाइस आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला, चलो गाइस वीडियो की तरफ आगे चलते। तो गाइस अभी मैं खड़ा हूँ जो नसीराबाद सिटी की बाईपास है, इस बाईपास पे। तो गाइस जो इस साइड ये रोड जाती है, ये तो चित्तौड़ भीलवाड़ा की साइड जाती है, और इस साइड जो ये रोड जा रही है ये राजू भाई के गांव की तरफ, उधर सरवाड़ के एकड़ी की तरफ, कोटा की तरफ जा रही। तो जो आज हमारी जो स्लीपर आने वाली है वो पहले नसीराबाद सिटी के अंदर से आएगी, और फिर यहाँ से मतलब हमने टिकट बुक पहले से कर रखी है, तो वो स्लीपर आने का वेट कर रहे हैं। तो गाइज बस तो मिल गई है, बस के अंदर पीछे पीछे की सीट में नंबर आया, मतलब अभी तक जो मेरी सीट है सीट कन्फर्म नहीं हुई है, तो उनको बोला कि भैया जैसे खाली हो तो भैया कन्फर्म कर देना, तो ऐसे मैं पीछे आके बैठ गए। तो गाइज आपको एक बार हम स्लीपर दिखाता हूँ, स्लीपर में देखो बहुत सारे लोग बैठे, नीचे भी बैठ गए, बैठने के लिए जगह ही नहीं है। इन भैया ने बोला कि आ जाओ हमारे पास बैठ जाओ, तो यहाँ पे देखो बैग वैग रख दिया, और आपको दिखाता हूँ देखो हर जगह आदमी आदमी छोड़ के। तो गाइज ये रही वो स्लीपर, और अभी हम पहुँचे इंद्रागढ़ जो अजमेर वाली 4 लेन है, इस 4 लेन पे, और यहाँ पे होटल पे रुकी है चाय वाय पीने के लिए, नाश्ता वास्ता करने के लिए। तो ये मतलब स्लीपर ही स्लीपर रुकती है ज़्यादातर इस होटल पे। तो गाइज हमने बस के अंदर ही नाश्ता आ गया था, तो एक कचौरी लिए, पॉपकॉर्न लिया इधर, क्या करेंगे बैठे बैठे कुछ खा तो लें। तो गाइज बाहर अंधेरा पड़ना हो गया स्टार्ट, और देखो जितने भी गाड़ियाँ और दुकानें होटलें जो भी आ रही है सब ने लाइटें जगा ली है, क्योंकि अभी लमसम टाइम हो रहा है 6:30, और सर्दी के मौसम में तो 6:30 बजे अंधेरा पड़ना स्टार्ट हो गया। और देखो मैंने ये जो गाड़ी के पर्दा है ना, ये पर्दे को दूर करके फिर आपको दिखा रहा हूँ, अंदर तो पूरा अंधेरा हो गया। देखो एक मिनट लाइट बंद करते हैं, ये देखो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जैसे लाइट की सब दिखाई देने लगी। यहाँ पे बैठे हैं भाई, देखो पीछे एक बहुत बड़ा शीशा भी लगाया हुआ। तो गाइज अभी करीबन टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे 8 और अभी हम खड़े भीलवाड़ा सिटी के अंदर ही। हमारी बस ख़राब हो गई है, गियर नहीं लग रहे, तो इसलिए यहाँ पे ला के रोका। यहाँ पे देखो बसे बसे खड़ी है, पता नहीं क्या हो गया। देखो यहाँ से जो 3 नंबर गियर छिटक रहा है गाड़ी का, और जो यहाँ पे जो गियर लगाने का वो गद्दा है ना, गद्दा भी देखो यहाँ से दूर कर दिया, और अब केबिन चेक करेंगे खोल के, मिस्त्री आने वाले हैं। तो गाइज पता नहीं क्या हुआ, बस के गियर ही नहीं लग रहे, सब आदमी नीचे उतर गए, और जो ड्राइवर क्लासी है वो उधर गए हैं सामने,
वो मिस्त्री चेक करने के लिए गए और सब आदमी नीचे उतर उतर के जा रहे हैं, कोई किधर ही जा रहे हैं, कोई किधर ही जा रहे हैं। गियर इन्हें लग रही है, मतलब तीन नंबर गियर छिटक रहा है गाड़ी का, यहाँ से हटा दिए सब। चलो चलते तो गाइज अब जाके बस स्टार्ट हुई है, कम से कम एक डेढ़ घंटा बंदी रह गई और अब गियर गार से लगने लगे। अब चलते हैं आगे के सफर में। और देखो जैसे जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई सब पीछे आगे पीछे अपनी सीट लेने लगे। और अब भी हम देखो जैसे दो आदमी की सीट, हम चार आदमी बैठे हैं, कुल ये भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, वो इधर भी बैठे, और दो आदमी हमारे इधर भी बैठे। तो गाइस अभी करीबन टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 और हम पहुँचे महाराष्ट्र के अंदर। तो यहाँ पे ये बीकानेरी होटल थी, यहाँ पे चाय वाय पिया है सुबह सुबह। और अब यहाँ से निकलते हैं, हाथ मुँह धो लिया, फ्रेश व्रेश हो गए। मेरा ऑफिस आ गया, मैं तो उतर गया। गाइस मैं कल से जिस स्लीपर में सफ़र कर रहा था उसका ऑफिस यही है। और ये देखो बैग वेग अंदर रख दिए मैंने, और इतनी देर पहले मैं यहाँ पे बैठा था, ऑफिस वाले बोले ये यहाँ पे बैठ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, खाना वाना खाना है तो उधर सामने होटल है खा लेना। और तो भाई ऑफिस भी खूब बड़ा, मतलब इधर पीछे रह भी सकते हैं, और मतलब यहाँ पे काउंटर वगैरह, मतलब ये जो इनके पैसेंजर आते हैं सवारी, तो इनको यहाँ पे ऑफिस पे रख लेते हैं, जो भी इनकी स्लीपर आती है उनके अंदर जाके बैठा देते हैं ये लोग। तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठा था। और जो मेरी गाड़ी आने वाली है, जो ये सामने हाईवे दिखाई दे रही है, इसी हाईवे पे आएगी, तो इस साइड से आएगी, मुंबई सिटी इस साइड है। तो यहाँ से जो मुंबई सिटी है ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 330 किलोमीटर का लमसम है। तो गाइस अभी मैं जो जहाँ पे खड़ा हूँ, ये जो तेजल ऑफिस है इनका एक गैरेज है। और यहाँ पे देखो एक ट्रक खड़ी है, बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो रखा है इसका तो। और ये बुलेट गाड़ियाँ जो भी पल्सर वगैरह साइन वगैरह दिखाई दे रही है सब इनकी इनकी है। तो ये इनके गैरेज के अंदर ठीक होने के लिए आई है, मतलब यहाँ से जो एक्सीडेंट होकर ये टूट गई थी ना, इसको मतलब ये लोग गैरेज में ठीक ठाक सही कर देंगे, जैसे पहले थी ना, नहीं कि नहीं वैसे कि वैसे फिर से बना देंगे इसको। देखो बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो रखा है इसका। तो गाइस जितनी देर पहले तो यहाँ पे देखो बहुत लंबी लाइन लग गई थी, इस तरफ में पीछे गाड़ियाँ हो गई है, और आगे मतलब बत्ती लगी हुई है वो जहाँ पे वो दिखाई दे रही है ना, वो देखो मेरी अंगुली से जस्ट आगे, जूम करके दिखाता हूँ आपको, वो जस्ट ब्लैक ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है, वो आगे बत्ती लगी हुई है। तो इतनी देर पहले वो बत्ती ग्रीन नहीं हुई थी, तो उस साइड की पूरा ट्रैफिक रुक गया था। तो गाइस जितनी देर पहले तो मैं गैरेज के अंदर ही बैठा था, उनसे बातचीत कर रहा था, तो अब है इस साइड में होटल, तो चलो होटल पे चलते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, फिर हमारी गाड़ी भी आ जाएगी। तो गाइज मैं होटल में आके बैठ गया हूँ, और यहाँ पे मैंने पहले पूछा था भैया फ़ोन पे चल रहा है या नहीं, या खाना खाने के बाद फिर होगा भैया लफड़ा, पैसे कौन देगा, तो मेरे पास कैश तो है नहीं, फ़ोन पे ही है। तो यहाँ पे देखो दारू की शराब की दुकान भी है और होटल भी है, दोनों साथ में ही है। तो यहाँ पे देखो शराब पीने वालों की लाइन लग गई है। तो गाइज खाना वाना तो खा लिया, अब आ गए हैं ऑफिस के अंदर। तो पता नहीं गाइज महाराष्ट्र का पानी बहुत दिनों से पिया, कुछ अलग लग रहा था, तो मैंने एक पानी की बोतल भी खरीदी है, और खाने का बिल हुआ था 150 रुपये। तो गाइज मैं अभी तो ऑफिस के अंदर ही बैठा हूँ, और अब लमसम घंटे आधे घंटे में हमारी गाड़ी आने वाली है। अभी गाड़ी वालों से बात हुई थी, उन्हें बोला था भैया खाना वाना खा लो, और घंटे आधे घंटे में हम भी पहुँच जाएंगे। तो गाइज मैंने बैग वैग टाक लिया, तो जो मेन रोड है ज़्यादा दूर नहीं है, जो मेरे पीछे जो ट्रैफिक ज़्यादा दिखाई दे रहा है वो मेन रोड ही है। तो गाइज जब हमारी वो गाड़ी आने वाली है, तो गाइज एक ख़ास बात और बता देता हूँ, जो अभी ये गाड़ी आ रही है मैं इस गाड़ी के साथ वीडियो नहीं बनाऊँगा, परमानेंट मेरी गाड़ी चेंज रहेगी, मतलब या तो नागपुर में मिलेगी वो गाड़ी, या फिर नागपुर से आगे मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाएगी, भले ये गाड़ी वाले उनके साथ वाले हैं, तो उनने बोला भैया हमारे साथ चलो, हम उन तक आपको पहुंचा देंगे। तो गाइज आपका भाई मतलब सुबह से गाड़ियों का वेट कर रहा है, गाड़ियां आ गई है, और हम जो वो पहले वाली फोर लाइन थी उसको छोड़ के और ये नागपुर वाली रोड ले लिया,
यहाँ से जो नागपुर सिटी है लमसम यहाँ से 500 किलोमीटर है। तो जो पहले मैं वो तेजल ऑफिस में बैठा था यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर पीछे रह गया। तो ये दोनों गाड़ियाँ साथ वाली है। तो जो मैं जिस ट्रक पे जाना चाहता हूँ ना परमानेंट, उस ट्रक के पास मतलब ये गाड़ियाँ जाएंगी, तो उनके मिलने वाले ये लोग। तो इनने बोला कि हम लेके आ जाएंगे वो जो भी आपके आदमी है। तो इनने संपर्क कर लिया मेरे से और अब मैं इनके साथ जा रहा हूँ। तो वो आगे मिल जाएगी या तो नागपुर मिल जाएगी, कहीं पे भी मिल जाएगी गाड़ी। और ये एक कंपनी की गाड़ियाँ हैं, मतलब ऐसे ठेकेदार लोग की नहीं है, ये लिमिटेड कंपनी के अंदर गाड़ियाँ, कम से कम ऐसे 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 गाड़ियाँ हैं। और बहुत कुछ ऐसे नहीं है, मैं आपको आगे आगे बताते जाऊँगा। अपने दिन कहीं आए बाद यार, ट्रैफिक बटी नहीं है पूरा। चल भाई कोई सामटर जाते रहे बोरी बीच, तो सामटर रोड के साइड में मेल दे लो भाई जी ले जाओ था। तो गए जब चाय वाय पी के यहाँ से निकल रहे गए, जो मतलब खाली है गाड़ी में कोई लोड नहीं था, ऐसे हॉर्न लगा रहा पापू। तो गाइज मैंने बताया था मतलब इस कंपनी के कुछ अलग अलग रूल है, मतलब देखो ऐसे वर्दी पहनना पड़ता है ड्राइवर को, क्लासिक की तो कोई ज़रूरत नहीं है। और तो गाइज इस कंपनी का नाम है सूर्या लॉजिस्टिक और LLP। हमारे आज टैंकर में लोड किया है, मतलब ऐसा केमिकल लोड है, ये हमारे पास सामने सैंपल पड़ा है, ये ऐसा केमिकल लोड है देखो, बिल्कुल पानी की तरह दिखाई दे रहा है ठंडा, मतलब जैसे पेट्रोल ठंडा रहता है ना वैसे का वैसे ही है। और देखो देखने में तो ऐसे लग रहा है कि पानी वानी है। आज इस रोड का भी काम चल रहा है, जगह जगह सिंगल रोड आ रही है, कहीं फोर लाइन आ रही है, कहीं फूटी टूटी ऐसे रोड है, बिल्कुल अभी तक नई रोड नहीं मिली है। और वैसे अभी हम गाड़ी में 3 आदमी है देखो, इनके क्लास ही है और ये ड्राइवर है, और मैं ऐसे इनके साथ में जा रहा हूँ। ये देखो कुछ गांव का नजारा है, उधर देखना नीचे को आ जाएगा बच्चा बच्चा, ऐसे बोलेगा फट और कुछ नहीं होगा, फट बोलेगा वैसे। तो ध्यान रखना, तो हमारा ही काम है इधर से उधर। तो गाइस यहाँ से हमारे को 4 लाइन मिल गई है, और मतलब इतने दिन पहले मैं टेलर में चला था और आज मैं मतलब फर्स्ट बार टैंकर में बैठा हूँ, तो कुछ मेरे को मतलब ऐसे अजीब सा फील हो रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है कि गाड़ी एक बार आगे जा रही है, एक बार पीछे आ रही है, एक बार आगे जा रही है, एक बार पीछे आ रही है, क्योंकि मतलब 2-3 दिन में तो एकदम सेट सूट हो जाएगा मामला। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये टैंकर अभी आधा ही भरा हुआ है, मतलब वो अंदर जैसे हमारी भाषा में बोलते हैं ना, एक बार ऑयल आगे जा रहा है, एक बार पीछे आ रहा है, ऐसे टैंकर में ऐसे कुछ हो रहा है। तो ऐसे गाड़ी हो रही है, कभी आगे जा रही है, एकदम मौसम पकड़ रही है, एकदम रुक रही है, ऐसे कुछ लग रहा है शायद इनको, नहीं लग रहा है ये रोज़ चलते हैं ना तो इनको मतलब। तो गाइस यहाँ से हमारे को रॉन्ग साइड चलना पड़ेगा क्योंकि जगह जगह काम चल रहा है 4 लाइन का। देखो यहाँ से आगे से बंद कर रखा है, तो गाइस अभी करीबन टाइम हो रहा है 3:30। तो गाइस हमने पूरी रात में भी नहीं सोया, घंटे 2 घंटे सो जाते हैं, फिर शाम के वक्त में और ब्लॉग करेंगे क्योंकि मतलब नींद आने लगे, ऐसे आगे आगे चलने लग गए, चलो 2-3 घंटे सो जाते हैं फिर जाओ। तो गाइस अभी करीबन टाइम हो रहा है शाम के, बज रहे हैं 5:30 और हमारी एक गाड़ी और मिल गई साथ वाली। तो इतनी देर पहले तो मैं सो रहा था, अभी उठाऊँ तो नींद खुली, तो अचानक देखा यहाँ एक भारत पंप पे सो रहे थे, तो चलो अब सब नहा धो लिए, हम भी नहा धो लिए थे। तो गाइस हम यहाँ पे नाके तो आ गए, एक काम खराब हो गया भाई, कंघा नहीं है गाड़ी के अंदर, लेंगे कहीं से, इनके पास तो नहीं, ये बोल रहे कि हमारे तो बाल ही छोटे छोटे, हम तो केवल ऐसे करके ऐसे काम भी सलटा देते हैं कंघा रखते नहीं है गाड़ी के अंदर। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे, इतना अर्जेंट भी नहीं है, बोल थोड़े से लंबे बाल थे तो इसलिए।
तो गाइज अभी करीबन टाइम हो रहा है शाम के बज रहे हैं 6 और देखो मैं महाराष्ट्र के अंदर हूँ और नाके आया हूँ। बिल्कुल ही सर्दी नहीं है भाई, हकीकत में मेरे कुछ ऐसे मैं मतलब सर्दी से आया ना तो यहाँ पे आया, दिन में बहुत ही ज्यादा भयंकर गर्मी थी तो मैंने बोला कि भाई यार महाराष्ट्र में ऐसे रोज ही गर्मी पड़ती है, इन्हें बोला कि भैया यहाँ पे सर्दी वर्दी है ही नहीं, मतलब बहुत पहले सर्दी मतलब पड़ के चली गई, अब सर्दी यहाँ पे नहीं, मतलब अब तो मच्छर खाने लग गए, अभी मैं नहा के आया तो मच्छर खा गए मेरे को 2-3। और हमारे साथ वाली गाड़ियाँ इधर और इधर खड़ी है और इधर बना रहे हैं रोटी। तो गाइस रोटी सब्जी का काम चल रहा है और मैं सामने नहा के आया था और इस बार के पंप पर खड़े हैं ना। तो गाइस हमारी रोटियाँ बन गई कम्प्लीट हो गई और घी भी लगा लिया है, अब इस खाना खाना है। और इधर देखो चटाई वटाई सब पड़ी है, कैंपर है पानी का। तो गाइज महाराष्ट्र की तो एक बात ही अलग है, मैं आया था होटल पे गुटखा लेने के लिए मतलब विमल लेने के लिए, और विमल के यहाँ पे 25 रुपये ले रहे हैं, जो 20 वाली विमल है उसके 25 रुपये अलग लग रहे हैं यहाँ पे हर चीज़ के, मतलब गुटखा के नाम से थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं क्योंकि महाराष्ट्र में गुटखे बंद है, खाना अलाउ नहीं है, और गुटखा खा के हम सड़क पे ऐसे थूक भी नहीं सकते, पुलिस वाले कहीं देख लें ना डायरेक्ट चालान होगा भाई। ये नहीं बोले चूड़ी मर जाए तो शायद कलाई साइड की है, ड्राइवर साइड है वो मोटो है वो तो ढीलो है जड़ेड़ो मन लगे हाँ जो पेज को सो डबल जोर लगे हो है हाँ तो दबेड़ो चाहे कतो है दबा जड़े हो इशारा खुली दबाओ मन खुले लगे बारह बजे 11:30 जब भी नींद खुलेगी ना तो डायरेक्ट यहाँ से निकलेंगे फिर, तो अभी पहले शीशा वीशा बना के रख लेते हैं। तो गाइज खाना वाना खा लिया, अब सोते हैं गाड़ी के अंदर और 11-12 बजे उठ के और नया ब्लॉग भी बनाएंगे और आगे का सफ़र भी करेंगे, जब तक के लिए इस गाड़ी में भी आराम कर लेते हैं नहा धो लिए, और अब गाड़ी के अंदर थोड़ा दरी वरी ऐसा ही कर लेते हैं और कपड़े लेते हैं जो भी है सब ठीक ठाक करके सोना, फिर 11 बजे उठ के निकलेंगे यहाँ से। उम्मीद करता हूँ गाइस आज का वीडियो पसंद आया, तो गाइस पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। चलो गाइस नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय।